अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। दोस्तों टेक्निकल पी के उर्दू चैनल में आप लोगों को खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों इस चैनल में आप लोगों को टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन अनबॉक्सिंग के हवाले से हर वीडियो इंशाल्लाह मिल जाएगी। दोस्तों मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करता हूँ कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब करने के बाद आगे जो घंटी का निशान है उसको भी प्रेस कर दो। तो यार ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि कैसे कुछ बाज़ात हमें दोस्त मैसेज करते हैं और हम उन मैसेज को रीड नहीं कर पाते क्योंकि हम उस टाइम ऑफलाइन होते हैं और वो दोस्त हमारे किसी वजह से मैसेज डिलीट कर देते हैं या कोई हमें गाली निकाल के या हमें परेशान करके वो मैसेज डिलीट कर देते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि वो मैसेज पढ़ें कि वो मैसेज क्या थे या वो मैसेज किसने भेजे, ये कैसे मुमकिन है। तो मैं आज आपको इसके मुतल्लिक बताने वाला हूँ कि वो मैसेज हम कैसे रीड कर सकते हैं, वो भी एक बहुत ही ईज़िली तरीके से। तो टॉपिक से जाने से पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि ये हमारी कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो ठहरी हुई, आप इनको भी ज़रूर विज़िट कर लें। और हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के बाद ये हुकूमत की तरफ से एक कस्टम ड्यूटी की नई अपडेट रही है, तो आप इस वीडियो को भी देख लें। और इसके अलावा बहुत सी हज़ारों वीडियो पड़ी हुई हैं तो आप इनको देख लें और इंजॉय कर लें और अपनी इन्फॉर्मेशन में इजाफा करें। तो लेट्स गो, हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो उसके लिए आपको एक ऐप की ज़रूरत होती है, होगी वो आप प्ले स्टोर से भी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं तो आप उस ऐप को डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लें। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं ऐप आप लोगों के सामने ही हमेशा हमेशा डाउनलोड करता हूँ। ये ऐप डाउनलोड हो जाए और मैं आपको बताता हूँ कि ये जैसे कि ये मैसेज है, मैं ये मैसेज रीड करना चाह रहा हूँ कि ये कैसे मैं मैसेज रीड कर पाऊँगा। तो मैं अब आपको ये बताऊंगा कि ये कैसे मुमकिन है, मैं इनको कैसे रीड कर सकता हूं। इसके लिए आपने सिंपली तौर पे एक ऐप को डाउनलोड करना है। ऐप जैसे डाउनलोड हो जाता है तो मैं अब उस डाउनलोड होने के बाद तो मैं आपको बताऊंगा कि आगे करना क्या है। तो ये देखें, ये ऐप डाउनलोड हो गया है, अब हम क्या करेंगे, इसको सिंपली तौर पर आप ओपन कर लें। और आप इसे जैसे ये ओपन कर रहे हैं, ओपन हो रहे और ये कुछ परमिशन मांगेगा, आप उसे डन कर लें। जैसे कि यू नोटिफिकेशन बार अलाउ, इसको अलाउ दे दें। अलाउ देने के बाद यहाँ पर नोटिस सेफ ऑन कर लें, तो नेक्स्ट पे डालें और यहाँ पे ऐसे आ जाए नोटिफिकेशन एक्सेस में, तो वहाँ पे आप नोटिस सेव के ऑप्शन को आप ऑन कर लें। तो यहाँ पर आप ओके कर दें, ओके करने के बाद ये सेफ हो गया है और इसे अलाउ कर दें। कुछ करने के बाद ये लोडिंग एप्लीस्ट हो रही है, एप्लीस्ट हो रही है। और अब हमें जब मैं मैसेज आप मैं अब दूसरे मोबाइल से इस नंबर पे मैसेज भेजूंगा और ऑल ऐप्स इधर डन कर दें। डन करने के बाद और मैं आप लोगों के सामने ही व्हाट्सएप से चैट भेजूंगा और मैं मैसेज डिलीट कर दूंगा। लेकिन आप वहां से मैसेज वहां से डिलीट नहीं होंगे, लेकिन वो सेफ रहेंगे। तो मैं अपने दूसरे नंबर से मैसेज करता हूँ, ये आएँगे लेकिन वो मेरे वहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ। तो ये देखें, ये मैंने मैसेज किया है और मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैं इनबॉक्स में गया, व्हाट्सएप की इनबॉक्स में गया, तो यहाँ पे मैंने जैसे देखा, ये देखें मैसेज आया, लेकिन मैसेज डिलीट हो गया। दिस मैसेज वॉज डिलीटेड 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 हो गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने करना ये है कि आपने सिंपली तौर पर वो जो नोटिस सेव का ऐप है, आप उस ऐप में चले जाएँ। ऐप में चले जाने के बाद ये देखें, ये न्यूज़ में चले जाएं या यहाँ पे चैट पे क्लिक कर दें। ये देखें, ये मैसेज आया, जी जी किस नाम से मैंने मैसेज किया था लेकिन मैंने मैसेज डिलीट कर दिया है। और भी इसमें हैं बहुत से फंक्शन हैं, जैसे कि वो पेंसिल चैट, ये भी देख लें कि ये इमेज आई हुई है। और मज़े की बात, और आप इसमें से दो चीज़ें कर सकते हैं। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, जो व्हाट्सएप पे स्टेटस लगे हुए हैं आप उनको भी सेव कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी स्टेटस यहाँ पे लगा हुआ है या कोई स्टेटस, मैं अपनी तरह अपना स्टेटस आप लोगों को दिखा देता हूँ। जैसे कि ये स्टेटस है, अच्छा है और मैं इसको डाउनलोड करना चाहता हूँ। या आप बाज़ हम दोस्तों कहते हैं कि भाई स्टेटस तो भेज, स्टेटस तो भेज, वो लोग नहीं भेजते या बिजी होने की वजह से, जो भी वजह होती है, लेकिन वो लोग स्टेटस 24 घंटे के बाद रिमूव हो जाता है। वो कहते हैं कि सॉरी भाई डिलीट हो गया। लेकिन अब ऐसी चिंता नहीं है, अब किसी से स्टेटस मंगवाने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको जो भी स्टेटस चाहिए वो आपकी उंगली के इशारों पर आप लोगों को मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर सिंपली तौर पर ये सेव हो गया स्टेटस, किसी से मंगवाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप जहाँ जो भी स्टेटस चाहें वो सेफ हो गया है और कुछ भी चाहें वो एक क्लिक पे आपके पास हाज़िर हो गया है। तो ये था आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक। आपको आप यहाँ से डायरेक्ट किसी को भेज भी सकते हैं। ये देखिए, जो
ये देखें कि यहाँ पर ये सेफ हो गया स्टेटस, यहाँ पर आप इस स्टेटस अप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये देखें आप इस स्टेटस को लगा भी सकते हैं। लगाने के लिए आपने क्या करना है, इस इमेज पे क्लिक करना, इमेज के क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे थ्री डॉट के क्लिक नज़र आओगे। आप थ्री डॉट पे क्लिक की नज़र करेंगे तो आपको आप इसको डायरेक्ट स्टेटस लगा सकते हैं। तो ये थी 2 in 1 लेक्चर, और आज की वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इस पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और दोस्तों को बताना मत भूलें। शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।